राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उसी के निषेध में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्रीय व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। ईडी द्वारा अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद से राजनीतिक माहौल गर्मा गया। मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महाविकास अघाड़ी सरकार ने राज्यव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। उसी तर्ज पर आज शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा वैरायटी चौक पर केंद्रीय यंत्रणा के खिलाफ आंदोलन कर नारेबाजी की गई। इस दौरान शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे बोले कि हमारे नेता नवाब मलिक इन्हें बिना किसी नोटिस के गिरफ्तार किया गया, ये निषेधार्थ है। इसके साथ ही भाजपा के नेता प्रवक्ता ये भाजपा के ना होते हुए ईडी के प्रवक्ता होने की बात पेठे द्वारा कही गई। इसका कारण आप सभी जानते हैं कि कल सुबह 4 बजे जिस प्रकार से आज तक के ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जो सेंट्रल से आई हुई ईडी सीबीआई जिस प्रकार से आके 4:30 बजे किसी के घर में जाके उसको जगा के उठा के वहाँ पे अपने सीबीआई के ऑफिस में लेके जा रही है, ईडी के ऑफिस में लेके जा रही है और उसको वहाँ पे कुछ 4-6 घंटे के बाद में ही उसको अरेस्ट कर रही है, जो कि जिस प्रकार से आज तक ऐसा हुआ है कि किसी भी प्रकार से कैबिनेट मिनिस्टर है वो कोई चलते फिरते आम आदमी नहीं होने के बावजूद किसी प्रकार का नोटिस नहीं देने के बावजूद भी उनको अरेस्ट किया गया। उसके लिए हम महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कल महाविकास आघाड़ी के सारे घटक ये आंदोलन करने जा रहे हैं। आंदोलन के दौरान राकपा के अल्पसंख्यक विभाग के शहर अध्यक्ष शेख वसीम लाला बोले कि भाजपा सरकार जब राज्य में थी इस दौरान राज्य में कई घोटाले हुए, लेकिन इन घोटालों को भाजपा द्वारा उजागर नहीं किया है। महाविकास आघाड़ी सरकार को परेशान करने के लिए भाजपा द्वारा साजिश की जा रही है। कि जो जिस जमीन के बारे में नवाब मलिक साहब को जो ईडी ने अरेस्ट किया है, जमीन का असली मालिक भारत सरकार होती है और जमीन लेना बेचना हर नागरिक का काम है, और जब कोई व्यक्तित्व जमीन जायदाद खरीदता है तो वो ये रजिस्टर ऑफिस और जमीन मालक ये नहीं देखता है कि ये कौन है, वो देखता है ये ग्राहक है, इसे जमीन दे देनी चाहिए। और आजकल सबके परिवार बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से हमारे नेता का भी परिवार बढ़ रहा होगा, इसलिए उन्होंने उस हिसाब से वो जमीन खरीदी होंगी और खरीद कर उन्होंने कोई बिजनेस नहीं किया उसका जमीन का प्रॉपर्टी का, उन्होंने एक परिवार बढ़ते हुए अगर ले भी लिया हो तो पैसा दे के लिया है, कोई घोटाला करके नहीं लिया है। तो ये जो सरकार है, ये जो केंद्र में जो सरकार चल रही है, जो हमारे भारत के जो केंद्रीय गृह मंत्री है जिनके ऊपर में आरोप है, तड़ीपार जैसे ऐसे बहुत सारे इनके आरोप होने के बावजूद ये केंद्र में गृह मंत्री बने हुए बैठे हैं, तो इनके ऊपर में क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। देवेंद्र फडणवीस साहब है, इनकी सरकार जब यहाँ महाराष्ट्र राज्य में थी तो इनके मंत्रीकाल के अंदर में इनके मिनिस्टरों ने बहुत घोटाले किए, जिसमें पंकजा ताई मुंडे ऐसे बहुत से इनके मंत्रिमंडल में जो मंत्री रह चुके हैं, इनके भाजपा के आमदार है जिन्हें मंत्री पद दिया गया था, इन्होंने घोटाले किए हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने अपने मंत्रियों को घोटाले होने के पश्चात छुपा के रखा है। और हमारे महाराष्ट्र राज्य में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी हुई है उसको परेशान करने का काम ये देवेंद्र फडणवीस साहब जो है हमारे विपक्ष के जो नेता है ये ईडी के माध्यम से कर रहे हैं, और बगैर समन्स दिए बगैर कुछ किए इन्होंने नवाब मलिक साहब को ईडी के माध्यम से जो अरेस्ट करवाया है ये अपने भारत के कायदे के संविधान के हिसाब से गलत है। ईडी कार्रवाई बदले की भावना से और राजनीतिक नफरत से की जा रही है, ऐसा आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी के नेताओं द्वारा कहा गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।